मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कहां पर, किसी एटम में रिवॉल्व कर रहा होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो करंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इलेक्ट्रॉन करंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ई, और टाइम पीरियड क्या है, टी। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, ई बाय टी। क्लियर है यहां तक? तो इतना करंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक। अब ये बताओ टाइम पीरियड क्या है इलेक्ट्रॉन का, टू पाई आर बाई वी। हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमेगा तो वो करंट कैरिंग लूप की तरह काम करेगा, और अगर वो करंट कैरिंग लूप की तरह काम करेगा तो उसका कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो कितना होगा, ये टॉपिक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है करंट कैरिंग लूप का, करंट इंटू एरिया। तो करंट मैं निकाल लेता हूं ना, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम पीरियड क्या है, टू पाई आर बाई वी। वी ऊपर चला गया तो ई वी बाय टू पाई आर करंट आ गया। तो इस करंट को एरिया कितने सर्कल का, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आपके पास कैपिटल एम क्या आ गया, ई वी आर बाई टू। तो कैपिटल एम किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ई इंटू वी इंटू आर बाई टू, वेयर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर इज द रेडियस। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? इसको और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, याद है, प्लस वन एंगुलर मोमेंटम, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास का एम वी आर, फिर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने किया था एम वी आर। अब मुझे ये पता है कि जो मैंने कैपिटल एम निकाला, कैपिटल एम की जो वैल्यू जो मैंने निकाली वो कितनी है, ई वी आर बाय टू, ई वी आर बाय टू। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। इस वी आर को यहां से निकाल लें एल बाय एम और यहां पे पुट कर दें तो कैपिटल एम क्या आएगा, ई एल बाय एम ट्वाइस। तो डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का आपस में रिलेशन आ गया, ठीक है। यहां तक वैसे तो आंसर आ चुका है ई वी आर बाय टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, पर एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में हमने ये निकाल लिया। आप ये सोच रहे होंगे कि एंगुलर मोमेंटम लाने की जरूरत क्या थी, ऐसे ही प्लस वन का रिजल्ट उठा के एल में ले आए। उसका एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है, वन टू थ्री, मुझे क्या पता कहां पर है, मैंने तो रैंडम इलेक्ट्रॉन ले लिया। जबकि हर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है हर शेल में डिफरेंट है। तो हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो एल होता है, अभी हम पढ़ेंगे एनएच बाय टू पाई, तो हम L को रिप्लेस करेंगे किसमें, NH by 2 by। इससे आप किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन का कैपिटल M निकाल सकते हैं, इसलिए L को लाना जरूरी था। मैं भी करूंगा लेकिन उससे पहले यहां तक तो क्लियर है। तो M इज अ वेक्टर, L इज अ वेक्टर, तो M वेक्टर L वेक्टर, जैसे ही मैंने वेक्टर वेक्टर लगाया मुझे साइन नेगेटिव लगाना पड़ गया, क्योंकि M वेक्टर और L वेक्टर की जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट। कैसी हुई ऑपोजिट, इसको समझ लेते हैं। ऑपोजिट ऐसे हुई, अगर मान लो ये करंट कैरिंग एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो कोई मुझे बताएगा करंट कैसे जा रहा होगा, ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अपने मन में सोचो करंट यहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो कैपिटल एम कैसे होगा, डाउनवर्ड। तो कैपिटल एम ये रहा चार फिंगर करंट के साथ डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा था, ऐसे, तो कैपिटल एम डाउनवर्ड। अच्छा अब ये बताओ एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको फॉर्मूला याद हो प्लस वन में, तो एंगुलर मोमेंटम जो एल वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला था आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, वेलोसिटी वेक्टर या टेंजेंशियल, आर वेक्टर तो ये रहा आर वेक्टर। तो इसमें अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बोला कि ऐसे जा रहा है, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है एम नीचे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर सॉरी इधर की बजाय इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है क्योंकि करंट ऐसे है, तो वेलोसिटी इधर है इलेक्ट्रॉन की, आर वेक्टर ऐसे है। तो सोचो अगर मैं कहूं कि आर क्रॉस पी करो, जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में पी है, आर क्रॉस पी करोगे तो एल वेक्टर कहां आएगा, ऊपर। तो
आप अगर इसमें एक रूल करंट के ऊपर लगाएं, करंट इस तरफ तो एम नीचे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे तो आर क्रॉस पी से एल वेक्टर ऊपर, तो इसलिए साइन क्या आया, नेगेटिव। एल वेक्टर एम वेक्टर आपस में ऑपोजिट है, हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं है रूल लगाने की, आप सीधा नेगेटिव चाहें सीधा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉन है जिसका एम निकला, तो जो एल का फॉर्मूला है उसको हम क्या पुट कर देंगे, एन एच बाई टू पाई। जो एंगुलर मोमेंटम है एल, उसकी जगह क्या पुट करेंगे, एन एच बाई टू पाई। तो कैपिटल एम का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप कोई भी शेल नंबर पुट कर दो, 1, 2, 3, 4, उसका कैपिटल एम कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसी के अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो और शेल नंबर वन का हो, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो और शेल नंबर वन का हो, तो मैं ऊपर वाले रिजल्ट में यहाँ एन की जगह क्या पुट कर दूंगा, वन। तो वन पुट करूंगा तो ई पता है, एच पता है, फोर पता है, पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। किसका, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का जो शेल नंबर वन में है। ऐसे ही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, शेल नंबर वन में है तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के शेल नंबर वन को कैपिटल एम की बजाय म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू तो वैसे सिंबल होता ही है, और इसको नाम दिया जाता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। बोहर्स मैग्नेट्रॉन कुछ नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही है, बस स्पेशल नाम है हाइड्रोजन के एन इक्वल टू वन वाले इलेक्ट्रॉन का। तो क्लियर है यहाँ तक? आता नहीं है पर हाँ पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे है।